वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आईएनटी स्टडी इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंजनी फूड्स कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, ये फूडी कंपनी है, मतलब जो हम जो खाते हैं जो वेपर्स वगैरह वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्रेंड्स, इसकी जो मार्केटिंग कैप है, जो मार्केटिंग कैप थोड़ी कम है, मतलब एवरेज में है, चलेगा, बिल्कुल बेस्ट है। फ्रेंड्स, आपको रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। जो भी रिस्क लेना चाहेगा, रिस्क हो तो ही प्रॉफिट होगा, जितना हाई रिस्क होगा उतना हाई प्रॉफिट भी होगा। फ्रेंड्स, इसकी बैलेंस शीट मत देखिए और इसकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडीशन को देखेंगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मतलब हिचकिचाएंगे। आपको मैं सजेशन दूंगा कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ये कंपनी है और बेहतरीन फ्लोटिंग है। इस कंपनी का फ्लोटिंग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ्लोटिंग की एक लाजवाब है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मई महीने में 2021 में फ्रेंड्स इसकी शेयर प्राइस थी 200। फ्रेंड्स कितना? फ्रेंड्स 200 था। फ्रेंड्स आपको यहाँ दिखाई देगा, फ्रेंड्स 200 था। फ्रेंड्स सिर्फ वन मंथ में, फ्रेंड्स ओनली 28 डेज में फ्रेंड्स इसकी शेयर प्राइस थी फ्रेंड्स 400। कितना फ्रेंड्स? 400 मतलब लगभग 100% का रिटर्न। फ्रेंड्स अब बैंक देती है सिर्फ 6%, 5%, सारे के सारे बैंक को हम चेक करेंगे तो 6% हमें रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स वन ईयर में। बट एक्चुअली इस शेयर में सिर्फ वन महीने में 100 रिटर्न। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स एक्चुअली फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है, फ्रेंड्स ये सिर्फ एक फ्लोटिंग की कंपनी है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स आगे चलेंगे तो दिसंबर महीने में, हालांकि सिर्फ वन मंथ बिफोर हम देखेंगे तो दिसंबर महीने में फ्रेंड्स 140 पर आया था। फ्रेंड्स 140 पर, ओके, सिर्फ 15 डेज में डायरेक्टली 200 पॉइंट का, मतलब फ्रेंड्स लगभग सिर्फ 15 डेज में 16 पॉइंट का एक अपर सर्किट था। फ्रेंड्स बेस्ट था, जहां भी जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा वो तो कमाया होगा, मतलब फ्रेंड्स बेस्ट फ्लोटिंग की कंपनी है। फ्रेंड्स कुछ कोरोना की वजह से, मतलब जो कोरोना थर्ड वे आ चुका फ्रेंड्स उसकी वजह से, एंड देन फाइनेंशियल अमेरिका की जो प्रेशर्स हैं, मतलब जो वहाँ की हालात को देखकर जो भी मार्केट ने एक मोड लिया था एक डाउन ट्रेंड का, तो उसी समय इसने भी एक डाउन ट्रेंड की एक मोड लिया। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप यहाँ अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली 152 तक आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग सिर्फ 15 डेज में, वन मंथ में ये इस कंपनी 250 तो आराम से जाएगी। फ्रेंड्स 250 क्यों जाएगी? फ्रेंड्स यही पर भी हमें एक सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक बेस्ट एक सपोर्ट्स हमें मिलेगा। फ्रेंड्स अभी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, सिर्फ दो महीने के लिए, एक मंथ के लिए, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स इसकी बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। एक्चुअली हम इसे बैलेंस शीट क्यों नहीं देखना चाहेंगे तो आपको एक बड़ी वजह बताता हूं। फ्रेंड्स बैलेंस शीट में क्या है कि डायरेक्टली हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। फ्रेंड्स हम डायरेक्ट BSE की साइट पर है। फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उनकी एक साइट है, उस साइट पर हम जाएंगे। फ्रेंड्स और जाकर आप अंजनी फूड्स ऐसे टाइप करेंगे तो इसका बैलेंस शीट हमें दिखाई देगा। फ्रेंड्स आप भी देखिए, फ्रेंड्स अंजनी फूड्स ऐसे टाइप का करेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2021 में तो इसकी रेवेन्यू है 29.10। फ्रेंड्स तो इसकी नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स 3 करोड़ रुपीज। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, 3 करोड़ इसकी फ्रेंड्स एक नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, जो इस क्वार्टर जो सितंबर की क्वार्टर में 9.8 और जून की क्वार्टर में 8 और मार्च की क्वार्टर में 7.82। फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका रेवेन्यू है और इसकी मार्केटिंग कैप थोड़ा, मतलब रेवेन्यू थोड़ा कम है, मतलब ऐसा नहीं कि कम है, एक अच्छा है, एक अच्छा सा पॉइंट भी हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स
तो आप भी यहाँ से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि इसकी मार्केटिंग क्या है, एंड देन प्लस नेट प्रॉफिट कितना है, डिप्रिसिएशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, और टोटल इनकम कितना है, अदर इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना है इसकी। फ्रेंड्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप न देखिए, आप डायरेक्टली जो रिस्क फैक्टर, जो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर की एक टॉपिक भी हम डिस्कशन करेंगे, तो हमें मतलब आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आपको ही रिवॉर्ड मिलेगा फ्रेंड्स। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं बैठेगा फ्रेंड्स। आप यू टेक द रिस्क एंड कैन मेक मोर देन प्रॉफिट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए और प्रॉफिट भी आएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं आएगा, तो आपने खुद देखा है कि वन मंथ में कैसी इसकी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस थी। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी पुरानी कंपनी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे में बंद ही होगा फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सालों से मतलब 2008 से इसकी जो लिस्टिंग है फ्रेंड्स शेयर मार्केट में, 2008 में लिस्टिंग है फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मान लिया जाता है कि फूडी कंपनी में जो फूड्स की जो इंडस्ट्री है, सारे के सारे फूड्स की इंडस्ट्री सारे के सारे बेस्ट है फ्रेंड्स। आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स फूडी इंडस्ट्री में, फूडी इंडस्ट्री में। और एक है पावर सेक्टर में, आपको कहीं पर भी लॉस होने का चांसेस बहुत ही बहुत लेस में लेस कम है फ्रेंड्स। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेशली प्रॉफिट भी 100% आएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।